क्या नाम हुआ आपका? सुनीता। कब हुआ घटना आप लोगों के साथ में? कल को। कहाँ पर हुआ था? रोड साइड पर। रोड साइड में वही जो गैस टैंकर जो एक्सटेंड किया उसी में जा रहा था, खता चेक करने के लिए नहीं दिया। माँ बेटी पूरा बंद की रहा था, पीछे घूर गया लग गया। तो कब आए आप लोग यहाँ पर? यहाँ पर लगभग 4-5 बजे सुबह। ना कल को मैंने एम्बुलेंस से आए हैं? नहीं बस। अपने बस में आए हैं? हाँ। अभी क्या इलाज हो रहा है आप लोग का? अभी दवाई और बाहर से दो बार में तीन बार मंगाया। बाहर से दवाई आया है? यहाँ से दवाई नहीं दिया है? दिया सलाम दो बता दिया है। हाँ और बाकी दवाई भी बाहर से ला रहे हैं। अभी कैसा है आप लोग का तबीयत? ठीक है? जल रहा है। आपका क्या नाम बताएं? सुनीता। आपका बेटी का कितना उम्र होता है? बेटी का 10 साल। ठीक। घायल अवस्था में जो आए हुए जो जले हुए थे उसकी क्या स्थिति है? जले हुए मरीजों में जो है चुंदा हेमरोम जो है जो आज आए हैं, जबकि कल वहाँ दिखाया गया था वहाँ उनका बर्न जो है कम था और रात भर में बढ़ गया, उसका जो है बर्न जो है बढ़ सकता है। अभी उसका 20-25% बर्न है और वही थोड़ा सीरियस हालत में जा सकते हैं ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। और जो है और जो माँ बेटी है जो बेटी है नंदिनी कुमारी जिसका बर्न 20% है और सुनीता देवी जो है 15% उसका बर्न है, दोनों माँ बेटी जो है सेफ है और इलाज उसका चल रहा है। दवाई के लिए उसको कहा गया कि दवाई हम लोग बाहर से ला रहे हैं? हाँ ऐसा मुझे पता चला कि दवाई जो है कोई मिस्टेक से और जल्दी में जो है इलाज सही हो इसके लिए जो है लिख के दे दिया था जो कि गलती है। और जब पता चला तो मैं खुद जा करके उसे मना करा किया और वापस कराया और जो है उनको सारा दवाई यहीं से मिली। जिसकी स्थिति ठीक नहीं मतलब उसका मतलब क्या है उसके लिए क्या हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे 24 घंटा देखेंगे और अगर बढ़ेगा जो परसेंट है अभी उससे अगर बढ़ेगा तो हम लोग जैसा हम लोग को उस समय लगेगा उस समय करेंगे। ठीक।